चलिए, तो यही देख रहे थे हम लोग कि अल्कोहल किसे कहेंगे। अल्कोहल, तो मैंने बोला कि जब एक या एक से अधिक OH समूह, OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ध्यान देना ठीक है। जब OH समूह या हाइड्रोक्सिल, OH को हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन, और एलिफैटिक का मतलब होता है खुली श्रृंखला वाले। अगर कोई खुलल श्रृंखला वाला कोई हाइड्रोकार्बन है, अगर कोई खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन है, उसमें से उसके हाइड्रोजन के स्थान पर अगर OH को जोड़ देते हैं तो उसी को अल्कोहल कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे? जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि एलिफैटिक, एलिफैटिक दो प्रकार के होता है, एलिफैटिक दो प्रकार के होता है बच्चा, एगो सेचुरेटेड एगो अनसेचुरेटेड एलिफैटिक। नहीं समझा। पहले लिखा परिभाषा फटाफट से लिख जल्दी से। जल्दी लिखा, जैसे एग्जाम्पल, जैसे ले लो अल्केन, अल्केन फिर बता रहे, अल्केन एक पूरी जाति का नाम है। यस सर। एकरा में से एक हाइड्रोजन को हटा लीजिए, एक हाइड्रोजन को हटा करके एक के वो OH जोड़ लेगा, अरे बोलो, तो उसका नाम हो जाएगा अल्काइल अल्कोहल। क्या नाम होगा? अल्काइल अल्कोहल। कॉमन नेम मैंने बताया, ये कॉमन नेम है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे इसका जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चा, CnH2n+2। अरे अल्केन का खुली श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो अगर एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए इसमें, तो इसमें एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, तो 2n+2 है तो 2n+1 हो जाएगा, और इसी में एक OH जोड़ दीजिएगा तो ये क्या बनेगा, CnH2n+1 OH हो जाएगा। यस योर नो? अरे यस योर नो, समझे कि नहीं? अगर मान लो कोई अल्कीन है, कोई क्या है, अल्कीन है, अब कोई अल्कीन से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, कोई अल्कीन से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, अब अल्कीन का क्या होता है जनरल फार्मूला, CnH2n+2। सही बात है, और इसमें क्या जोड़ दीजिए, OH, OH जोड़ दीजिए, यहाँ पर OH जोड़ दीजिए, तो ये कहलाएगा आपका फिर से अल्कोहल। लेकिन अल्किन ये डबल बॉन्ड होगा, एकरा में ये वो क्या होगा, डबल। मान लो कोई अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, अल्काइन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके OH जोड़ दीजिए, जैसे CnH2n-2। अब एकरा में से एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो क्या बनेगा बच्चा, CnH2n-3 और एकरा में OH हो जाएगा। अरे माइनस में दो गो है ही नहीं, एगो आओ घटे हो तो -3 ना हो जाएगा। ये सभी के सभी अल्कोहल है। चलिए एग्जांपल दे के बताइयो, अरे एग्जांपल दे जैसे दे, ये ले लो, इनका नाम क्या है, मीथेन। क्या नाम है? मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटा लीजिए तो क्या बनेगा बच्चा, CH3
और एक हाथ खाली नहीं हो जाएगा। अरे चार हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन के चार हाथ होता है, तो एक हाइड्रोजन निकाल लीजिएगा तो कार्बन के एक हाथ खाली, और उसी हाथ में आप OH को जोड़ दीजिए। किसको जोड़ दा? OH को, हाइड्रोक्सिल को, तो यही कहलाएगा अल्कोहल। नाम क्या हो जाएगा बच्चा? मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथाइल और इसका नाम हो जाएगा अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। समझे कि नहीं? जैसे और एग्जांपल ले ले, जैसे C2H6, इनका नाम क्या है बच्चा? दो कार्बन है ना, दो कार्बन का क्या हो जाएगा? इथेन। क्या हो जाएगा? और एरा में से एक हाइड्रोजन को हटा करके OH जोड़ दीजिए, तो एक से एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो क्या बनेगा? C2H5, और एक में एक OH जोड़ दीजिए, OH जोड़ दीजिए, तो ये अल्कोहल बन गया। यस या नो? नाम हो जाएगा बच्चा इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा नाम? इथाइल अल्कोहल। यस या नो? अरे बोलो ना यार, नहीं बुझा रहा, बोलो ना। यस या नो? क्यों नहीं बुझा रहा? यस सर। आगे देखिए जरा, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एकरा में से एक हाइड्रोजन को हटा ली, हटा ली, और एकरा में क्या जोड़ दा? OH। क्या जोड़ दीजिए? OH। तो एकरा से एगो हाइड्रोजन हटाइएगा, एक हाथ खाली होगा, एरा ले जाके चिपका दीजिए, तो सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है। yes, ये अल्कोहल हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? yes, अरे आई कि नहीं? आई कि नहीं? आई कि नहीं? फटाक से लिखिए, जल्दी से छापिए, 10 सेकंड के लिए टाइम देते हैं, जल्दी से लिखिए। बोलिए तो मिटा दिया जाते थे। हाँ जरा तेजी में चलाइए। आगे पढ़ते बच्चा टाइप ऑफ अल्कोहल, टाइप ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के प्रकार, अल्कोहल के प्रकार, अल्कोहल के प्रकार। अल्कोहल के प्रकार, आइए टाइप पढ़ते हैं कि कितने प्रकार का होता है। बोल मिटा दियो, ठीक है कहे तो मिटा देते हैं। अल्कोहल के प्रकार, पहला ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रकार के आधार पर, कार्बन के प्रकार के आधार पर, कार्बन के प्रकार के आधार पर अल्कोहल,
पहला पहला ए में बच्चा पहला को बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। और दूसरा को बोलते हैं बच्चा सेकेंडरी अल्कोहल, दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल बी में, सेकेंडरी अल्कोहल। और तीसरा को बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। देख लीजिए पहले इधर सी में टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल हिंदी में द्वितीयक अल्कोहल और इसका तृतीयक अल्कोहल, या इसी का एक और नाम है बच्चा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसी को बोलते हैं बच्चा वन डिग्री अल्कोहल। अरे जो वन डिग्री कार्बन से जुड़ल रहेगा जी तो वन डिग्री अल्कोहल, अगर टू डिग्री कार्बन पकड़े लाता है ना वन डिग्री टू डिग्री बताए है ना, तो ये हो जाएगा, इसको सेकेंडरी अल्कोहल को बोलते हैं बच्चा टू डिग्री अल्कोहल, टू डिग्री अल्कोहल, और टर्शियरी को बोलते हैं थ्री डिग्री अल्कोहल, थ्री डिग्री अल्कोहल। डायरेक्ट एग्जाम्पल बता रही है, आसानी होगा इसे समझने में, अगर डिफिनेशन लिखना है सबका का डिफिनेशन कुछ लिखने का जरूरत नहीं बच्चा। वन डिग्री अल्कोहल का मतलब होगा जो वन डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हुआ, वन डिग्री कार्बन। तो एक पॉइंट यहां लिख देते हैं कि यदि यदि OH समूह, यदि OH नहीं लिखिएगा, यदि OH समूह वन डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, वन डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, अब वन डिग्री आपको मालूम है कार्बन, कि वन डिग्री कार्बन क्या होता है पहचानने के लिए, अरे बोलो यार इनकी इसमें क्या होगा, यदि OH समूह, यदि OH समूह टू डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, टू डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, देखना ये दिख रहा है कि नहीं, कि और बड़ा लिख दिख रहा है, हाँ इसमें कि यदि OH समूह, यदि OH समूह थ्री डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, थ्री डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, उसे थ्री डिग्री अल्कोहल कहेंगे। एग्जाम्पल देख ले हो, एग्जाम्पल जरा चेक करिए, बताइए बच्चा ये वाला वन डिग्री है कि नहीं, अरे है कि नहीं, ये वाला कार्बन कई डिग्री, क्योंकि इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये वन डिग्री अल्कोहल। बोलिए ये वन डिग्री है या नहीं, yes. अरे है या नहीं, फिर yes, से बोलो यस सर और नो सर, अरे ये भी वन डिग्री अल्कोहल है, वन डिग्री अल्कोहल, अरे ये वाला कार्बन कई डिग्री, वन डिग्री कार्बन है ना जी, ये कार्बन से डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा yes, हुआ है ना yes, तो ये वन डिग्री, तो ये वन डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ, तो इस पूरे अल्कोहल को बोलेंगे वन डिग्री अल्कोहल, यस योर नो। तीसरा एक एग्जांपल आप दे दीजिए, बताब ये वन डिग्री अल्कोहल होगा कि नहीं होगा, yes, अरे होगा yes, क्यों, क्योंकि OH किससे जुड़ा हुआ, इस कार्बन से, और ये कार्बन कई डिग्री है, वन डिग्री है, तो ये पूरा कहलाएगा वन डिग्री अल्कोहल, यस या नो, दिख रहा है, है? Yes. ठीक। दूसरा एग्जाम्पल आप चेक करिए, इधर देखिए तो जरा, अलग
बोला ये कई डिग्री कार्बन? 2 डिग्री कार्बन, तो अल्कोहल जुड़ल है तो 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा कि नहीं? तो 2 डिग्री अल्कोहल। अरे यस सर नो बोलो ना जी, ये वाला बताओ यहाँ पर OH लगा हुआ है, बोलो इक्का डिग्री कार्बन, तो इक्का डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ये पूरा कहलाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। अरे बोलो यार। अगला 2 डिग्री अल्कोहल, इनमें देख ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री मतलब केरा से जुड़ा रहेगा, 3 डिग्री कार्बन से। जरा देखिए ये वाला इनका बताओ ये OH किससे जुड़ा हुआ, इस कार्बन से, कई डिग्री कार्बन? 3 डिग्री कार्बन। कई को से जुड़ा हुआ, 1, 2 और 3। जब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये वाला कार्बन 3 डिग्री, और 3 डिग्री से अल्कोहल जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री अल्कोहल, तो ये कहलाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। यस यार नो, एक एग्जाम्पल और देते है, पकड़ लेगा? बोलो कई डिग्री? अरे कई डिग्री ये अल्कोहल कई डिग्री कार्बन से जुड़ल है? 3 डिग्री कार्बन से, तो ये भी हो जाएगा 3 डिग्री। यस और नो, छाप लीजिए। हाँ जी, नहीं पंखा नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे बोलते हो फुल सुनेगा तो कहेगा पंखों ने सर चलाते हैं। बता और सुन जाएगा, तुम बोलते हो मेरे को माइक में बोलना पड़ रहा है, ऐसा बात नहीं, माइक चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, सब बोलता है, पंखा चलता है मेरे यहाँ, है पंखा चलता है, मैं कह देता हूँ, क्योंकि वो मोबाइल में देखेगा लोग तो कहेगा सर पंखा नहीं चलाते, लेकिन मैं चलाता हूँ पंखा। मोबाइल वाला की पता कि यहाँ पंखा लगा है कि नहीं, जो ऑनलाइन देख रहा होगा तो उनको कहना जरूरी है ना कि नहीं पंखा चलता है, पंखा चलता सुविधा है, सारी सुविधा। अभी ठंडा के समय है और पंखा चलाएगा, जल्दी करो। बोलो जल्दी,
है ना, सी हो गया बच्चा, डी वाला लिखिए, डी में लिखिए, तीसरा हो गया चौथा। ये कार्बन के अलग अलग प्रकार है, अलग अलग, थ्री डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा तो थ्री डिग्री अल्कोहल, टू डिग्री से तो टू डिग्री अल्कोहल, है ना। अब ये हो नहीं लिखी है, बड़ी स्लो है, को बहुत स्लो है, जो तेजी में छापी है। एक दो को एग्जाम्पल अपने मन से दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, वन डिग्री नहीं बनावे आएगा। एग्जाम्पल अपने मन से वन डिग्री वाला दे दीजिए। खाली वन डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तभी बता, ये बताएंगे ना जी, अभी जितना बता लिए उतना सीखो ना, आगे डबल बॉन्ड वाला बतावे ही। बोलिए, हो गया? देखो सब लिख लिए, वो है पीछे है। लिख लिए सब? यस सर। आइए चौथा पढ़ते हैं, डी वाला। डी वाला, डी वाला के बोलते हैं बच्चा एलाइलिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एलाइलिक अल्कोहल। बढ़िया से सुनिए, एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक का मतलब है, देख लो, अगर 2 डिग्री अल्कोहल था, ध्यान से सुन लो, अगर मतलब 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा था, और अगर एलाइलिक अल्कोहल है तो एलाइल से जुड़ा होगा। अरे यस या नो? तो एलाइल क्या होता है सर? तो देखो इसको बोलते हैं एलाइल। पहला पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एक हाथ खाली, इसी को बोलते हैं हम लोग एलाइल। क्या बोलते हैं? एलाइल। किसी समूह को बोलते हैं एलाइल। अरे बोलो जी। yes, तो जो एलाइल समूह से अगर हाइड्रोक्सिल जुड़ा रहेगा, OH समूह जुड़ा रहेगा, तो उसे बोलेंगे एलाइल अल्कोहल। और समझ में आ रही है? yes, तो लिख देंगे यहाँ क्या, कि जो जो एलाइल समूह से, जो एलाइल समूह से, जो एलाइल समूह से जुड़ा हो, जो एलाइल समूह से जुड़ा, एकदम शॉर्ट में लिख रहे हैं, मतलब वैसा अल्कोएच समूह जो एलाइल से जुड़ा हुआ। एलाइल मतलब इस वाला कार्बन से, ध्यान देना, ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन से, डबल बॉन्ड वाला से नहीं जुड़ा होना चाहिए, इस कार्बन से जुड़ा रहना चाहिए, डबल बॉन्ड पीछे में होना चाहिए, तब जाकर के उसे एलाइल बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, बोलिए है एलाइल की नहीं है कि नहीं? अरे डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगला एग्जाम्पल, बोलिए है एलाइल की नहीं? बिल्कुल है, डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड का वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है। यस या नो? अगला, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ OH जुड़ल है, बोलो इसे एलाइल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ओकर बगल वाला कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये वाला समूह होना चाहिए, डबल सिंगल ए कार्बन, एकरा पर अगर हाथ खाली है और उसी पर हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ तो उसे बोलेंगे एलाइल अल्कोहल। यस और नो? यस। और समझे कि नहीं? यस सर। अगला देखिए, अगला देखिए, ई में, ए बी सी डी ई में, ई में, ई को बोलते हैं बच्चा बेंजाइलिक अल्कोहल। कौन वाला? बेंजाइलिक अल्कोहल। फिर से वही बात कि अगर कोई बेंजाइल से जुड़ा हुआ हो, किससे? बेंजाइल से जुड़ा हुआ हो, अगर कोई अल्कोहल बेंजाइल से, मतलब कोई भी OH समूह अगर बेंजाइल से जुड़ा हुआ हो, तो उसे बेंजाइलिक अल्कोहल कहेंगे।
तो बेंजाइल क्या होता है सर, याद रखिएगा, आप ध्यान में रखा, इसको बोलते हैं बेंजाइल। ये हो गया बेंजीन, ये तो पता है ये बेंजीन, और एकरा में अगर CH3 जुड़ल रहे CH2 और एक हाथ एकर खाली रहे, ओकरा में CH3 जुड़ल रहे और एक हाथ खाली रहे तो एगो हाइड्रोजन हट जाएगा तो दो ही हाइड्रोजन बच, अरे कार्बन के चार हाथ हुआ ना, एक हाथ इधर और दूगो में हाइड्रोजन और एगो खाली, अरे बोल रहे यार, इसीलिए इसी को कहते हैं बेंजाइल। इसका नाम क्या है? बेंजाइल। अब एकरे में अल्कोहल फिट कर दीजिएगा तो उसे कहेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल, यस या नो? अरे बोलो, जैसे एग्जाम्पल लेके बता दे, ये CH2 यहाँ OH जोड़ दीजिए, या ऐसे भी हो सकता है कि ये CH, ये CH और एरा में एक CH3 जुड़ा हुआ हो और एक हाथ खाली और ओकरा में OH हो, तो भी तो हो गया, अरे बेंजाइल, अरे हुआ कि नहीं? जैसे और एको देख लो, ये C ऊपर में आपको CH3, नीचे में CH3 और इस पर OH जुड़ा हुआ, तो बेंजाइलिक तब होगा, सुन लो बढ़िया से बच्चा, कि अगर बेंजीन वाला जो बेंजीन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ल रहेगा, बेंजीन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ल रहेगा, अगर उस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा रहे तो वो बेंजाइलिक होगा। तो इससे डायरेक्ट ये वाला जुड़ल है और उसी से अल्कोहल जुड़ा हुआ, इस बेंजीन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ और इसी से डायरेक्ट ये OH जुड़ा हुआ, तो ये भी बेंजाइलिक कहलाएगा। अरे यस यार नो, लेकिन अगर डिग्री में कहोगे तो ये कहलाएगा 1 डिग्री, ये भी कहलाएगा कई डिग्री, 2 डिग्री, क्योंकि एगो ई कार्बन है एगो ई कार्बन, ये वाला 3 डिग्री, एगो दूगो और एगो एकरा में 3 कार्बन से जुड़ल, यस यार नो, अरे नहीं समझे सर, नहीं समझ। अगला देखते हैं एफ वाला, विनाइलिक अल्कोहल, अगला है विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक, विनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो विनाइल किसको कहते हैं? ये देखो सी डबल बॉन्ड सी और एक हाथ खाली, इनका पर 2 हाइड्रोजन फिर से लगा देते हैं बच्चा, कार्बन सी डबल बॉन्ड सी, एकरा में 2 हाइड्रोजन लगेगा क्योंकि कार्बन के 4 हाथ, एकरा में 1 हाइड्रोजन लगेगा, इसका 1 हाथ खाली कर दो, 1 हाथ खाली रहेगा, इन्हीं का नाम हो जाएगा विनाइल। अरे बोलो, और इसी में अगर अल्कोहल जुड़ा रहेगा तो उसे विनाइलिक अल्कोहल कहेंगे। एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ OH लगल रहे, अरे बोलो, यस सर, अरे बोलो, यस, अरे बोलो, यस। जैसे और सी सी डबल बॉन्ड सी ओ एच, ये भी विनाइलिक है, अरे डबल बॉन्ड वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, अरे yes, बोलो, नहीं समझी? सी 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 डबल बॉन्ड सी और एकरा से ओ एच जुड़ल है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन से जुड़ल है कि नहीं? yes, तो ये भी विनाइलिक कहलाएगा, समझ रहे लो बात? yes, छापो फटाफट, कई मिनट टाइम दे, 2 मिनट छापिए, 2 मिनट में बोलो नहीं, लिख लीजिए जल्दी से, सर।
लगता है हो गया जी। बहुत आराम से छाप रहा है आप लोग, एकदम स्थिर से। थोड़ा तेज चलाओ ना पेन। अगला टाइप पढ़ते हैं बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओएच समूह। दूसरा में पढ़ते हैं बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओएच समूह या ओएच ग्रुप, मतलब हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। हिंदी जिनको चाहिए वो हिंदी लिख लिया, मैं बोलता हूं तो बार बार हर चीज को लिख नहीं सकते हैं। ओएच समूह के संख्या के आधार पर, मतलब कई गो ओएच है उसके आधार पर। एगो है तो मोनो, दूगो है तो डाय, तीन गो है तो ट्राय, तीन से ज्यादा पॉली। इतना आसान तो है, हो गलो नहीं। ओएच समूह के आधार पर, ओएच समूह की संख्या के आधार पर तो ये भी देख लीजिए कई प्रकार के होगा। बोल रहे हो क्यों जी, मेरे से बात करो। दिक्कत है किसी को तो, किसी को दिक्कत है तो बोलो। ऑन द बेसिस ऑफ ओएच ग्रुप, ओएच समूह की संख्या के आधार पर। इधर देख ले, पहला ए में, पहला को बोलते हैं बच्चा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो माने एक, जेकरा में एगो ओएच समूह रहे, जेकरा में का गो रहे, एगो है ना, वन ओएच समूह, वन ओएच ग्रुप रहेगा। ज्यादा एगो ओएच रहेगा जुड़ा हुआ, उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। यस या नो? यस। एग्जांपल बोला, एगो की चार गो, एरा में का गो, एगो तो मोनोहाइड्रेट, एगो अरे का गो, एगो मोनोहाइड्रेट, इनका में का गो, एगो तो ये मोनोहाइड्रेट। बड़ी दिमाग लगा के पढ़ रहा है। दूसरा को बोलते हैं डाइहाइड्रिक, दूसरा को बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाई बने दो, जगरा में कई गो रहेगा, दो ओएच समूह, तो टू ओएच ग्रुप, टू ओएच ग्रुप, अरे कई गो, दो गो। जैसे ये वाला एग्जांपल, ओएच ओएच, हाँ जी बोलो।
नहीं समझ लो भाई, दू गो कि नहीं दू गो है। जैसे एक एग्जांपल और ले ला, ये ना मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर देखना है और कुछ मत देखो, कई डिग्री कार्बन में जुड़ल है नहीं जुड़ल है तो बाद के बात है, कई गो है नंबर कितना है, दो है तो डाइहाइड्रेट, तीसरा में ट्राइहाइड्रेट, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल जिसमें कई गो हो, जरा में थ्री ओ एच समूह हो, थ्री ओ एच ग्रुप हो, थ्री ओ एच ग्रुप हो, जैसे ओ एच ओ एच ओ एच, जरा में कई गो ओ एच, तीन गो, तो ट्राई हाइड्रिक। तो परिचय हमने खत्म कर लिया, आइए पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर, कैसे नामकरण लिखेंगे। मिटा दियो, ऐसे हम निनोमिन कलेचर 11th में पढ़ा दिए, यहाँ तो बस दे रहे हैं आपको, याद करवा रहे हैं कि याद हो जाएगा, यहाँ भी पढ़ने का मैं जो सिस्टम मैंने बनाया कि पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर उसका यूज पढ़ेंगे, पांच ही टॉपिक तो पढ़ना है। अल्कोहल का मैं पहले आपको परिचय दे दिया, अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर अल्कोहल को बनाएंगे, फिर इसको रिएक्शन करवाएंगे, फिर खत्म, फिर फिनॉल को वैसे ही करेंगे, है ना, फिनॉल को वैसे ही करेंगे, पहले फिनॉल का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे, फिर बनाएंगे, फिर रिएक्शन करेंगे, फिर खत्म, फिर ईथर पर जाएंगे, उसका परिचय देंगे, उसका नाम लिखेंगे, फिर उसको बनाएंगे, फिर उसका रिएक्शन करेंगे, फिर खत्म कर देंगे। यस यार नो, अरे बोलो, नहीं तो ये काम ऐसे करेंगे कि पहले परिचय तीनों के दे दियो, अल्कोहल फिनॉल ईथर के, फिर तीनों के नाम पहले लिख दियो और फिर तीनों के साथे बना दियो, ऐसे भी तो कर सकते हैं तीनों को साथे साथे, और यार समझ में आ रही है। yes. तो ये पहले अल्कोहल के दो काम कर लेते हैं, दो काम, पहला परिचय और नाम, फिर अल्कोहल के दो काम कर लेंगे परिचय और नाम, फिर ईथर के दो काम कर लेंगे परिचय और नाम, ओकर बाद फिर आएंगे प्रिपरेशन पर, तब प्रिपरेशन में पहले अल्कोहल बनाएंगे, फिर फिनॉल बनाएंगे और फिर ईथर बनाएंगे। दिमाग में सेट हो रही है? और सेट हुई नहीं? आई हेडिंग दो बच्चा, दूसरा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, उतना विस्तार में तो नहीं है बताएंगे आपको, मैं पहले ही कह देता हूँ जितना 11th में हम लोग किए थे। आज देखिए नोमेनक्लेचर, नींद आ रही है किसी को? नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर ध्यान से देखना, अभी भी समझ जाओगे अगर जो नहीं समझा। नोमेनक्लेचर दो प्रकार से, एक एकदम नहीं लिखा है ना, खाली बैठ के देखिए, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, ठीक बा, ठीक है ना, मैं टाइम दूंगा बढ़िया से। नोमेनक्लेचर हेडिंग दे दे लो, तो हम मिटा दियो, हम मिटा दियो,
अच्छा तो ना हम नामकरण नहीं लिखे yes, लिख ऐबे करेगा तो लिख लीजिए क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जगह बच जाएगा, जगह ज्यादा मिलेगा ना, है ना। अब यहाँ पर दो नाम होता है बच्चा, एक नाम होता है IUPAC। कौन नाम? IUPAC जो मैंने आपको बताया था। यस योर नो, IUPAC नेम को दुनिया के सभी देश इस्तेमाल करते हैं। yes, अब दूसरा हो कॉमन नेम, दूसरा नेम होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम। रूल देख ल दोनों के लिखे के, रूल देख लीजिए आप, रूल देख एज है ना, तो वही तो बोल रहे। आज सुबह में ऐसे भी संडे मंडे को रहेगा, मंडे को आना है आप खरीदने कुछ सामान, आओगे पढ़ लेना फिर खरीद के शाम में जाना फोड़ फाड़ के भोरे चलना। आइए जरा रूल देखिए IUPAC ने, इसका एक ही रूल है अल्कोहल के लिखे के, ध्यान से देखना चाहिए रूल IUPAC के। पहले किसका नाम यहाँ लिखते हैं? संलग्नी का। और किसका नाम लिखते हैं? संलग्नी का, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स। कई डिग्री? 2 डिग्री प्रीफिक्स। अरे संलग्नी 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब किसका नाम? संलग्नी का। अरे बोलो यार, ओए उसके बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री अगर साइक्लिक रहेगा तो साइक्लो लगाना है, अगर साइक्लिक रहेगा तब लगाना साइक्लो, नहीं तो नहीं लगाना। ओकर बाद रूट वर्ड आपको मालूम है ना? अरे एक कार्बन के मेथ, 2 कार्बन के एथ, 3 कार्बन के प्रोप, यही ना रूट वर्ड है। ओकर बाद ANE, ENE, ओकर बाद BINE। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो BINE। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और लास्ट में चूंकि अल्कोहल का नाम लिख रहे हैं तो लास्ट में नम्मा के लास्ट में ओल लगा देना। ओल क्या लगा देना? समझे कि नहीं समझे? अरे ये सर, ये IUPAC नेम। आप कॉमन नेम सर, तो कॉमन नेम लिखाता है ना जी इस तरह से, देखिए रूल कॉमन नेम का। अल्काइल अल्कोहल क्या लिखाएगा? अल्काइल अल्कोहल। अल्क क्या बताता है बच्चा? यहाँ रूल देखना, अल्क क्या बताता है? रूट वर्ड के बारे में। किसके बारे में? रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद लगा देना BIL और लास्ट में लगा देना अल्कोहल। बुझाई बात की नहीं? अरे बुझाई, नाम इधर ना देखो जी, समझ रहे हैं? एग्जांपल दियो। हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं, समझे हो ना कि 4 हाथ कार्बन के होता है तो एक हाथ में OH है तो 3 हाथ में हाइड्रोजन होगा तो नहीं लिखो, समझे बा? यस सर। अरे बोल लो यार। यस सर। समझ, बता बता। एक में पेरेंट कार्बन चेन पहले पकड़े पड़ेगा तो एक के कार्बन। यस सर। पेरेंट कार्बन चेन पकड़े सिखाए थे ना लंबा वाला, तो ये की कौन है लंबा सबसे? एक के वो लगा हुआ 2 डिग्री संलग्नी है एरा में कोई शाखा? नो सर। साइक्लो है, साइक्लिक है, ये वो कार्बन। रूट वर्ड बताओ, एक कार्बन के रूट वर्ड मेथ क्या हो जाएगा? अब एक नाम को सर सिंगल वंगल कुछ है ये नहीं रहा। 2 कार्बन रहते तो ना कार्बन कार्बन के बीच में बंधन देखना है तो एक वो तो कार्बन है सर, कई कार्बन तो ANE लगा दो। क्या लगा देना है? क्या लगा देना है? और लास्ट में ओल, लास्ट में तो ओल लगेब बच्चा तो ओ भौवेल ने हो जाएगा और एगो ई भी भौवेल तो ई से उड़ावे पड़ेगा, ई दू को भौवेल साथ से नहीं लिखना है तो हो जाएगा ओल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। ना हो जाएगा मेथेनॉल। समझ में आ गई? yes, कितना मजेदार चीज है। अब एक नम्मा हम लिखो कॉमन नम्मा, तो जरा देखो तो इसी का CH3 हम लिख दियो हाइड्रोजन वो जी CH3 क्या
सोच लो बढ़िया से, क्या है CaCl. बताओ क्या है? रूट वर्ड प्लस बाई एलेना में कई गो कार्बन? एगो, तो एगो कार्बन के कितना होगा? रूट वर्ड मेथ, मेथ में क्या लगा दो? बाई एल, और लास्ट में ओल नहीं है, अल्कोहल पूरे लिखना है। अल्को नाम हो गया, मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम हुआ, और एकरे IUPAC मेथेनॉल। यस और नो? बुझाई लगता है मुझे। yes, बुझाया कि नहीं? yes, चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। लिखो बच्चा सी, नहीं लिखो बच्चा CH3CH2OH। बताओ पेरेंट कार्बन चेन दो गो के? अरे बोल रहे यार, दो गो के बताओ। रूट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स संलग्नी है राम कोई शाखा? अरे पेरेंट में है कोई शाखा? नहीं तो है नहीं। साइक्लिक है? नहीं है। डायरेक्ट रूट वर्ड, दो कार्बन का रूट वर्ड एथ, दो कार्बन का रूट वर्ड एथ, तो एथ लगा दे। अरे बोलो बतावा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल की डबल? तो ANE लगेगा कि बाई ANE की ANE? तो लगा दे ये ANE, क्या लगा दे? तो ये हट जाएगा ना, तो ये नहीं लगा वही हो, और लास्ट में ओल लग जाएगा क्योंकि अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल के चलते क्या लगता है? ओल, तो लगा दो लास्ट में ओल। पढ़ो तो पूरा, ये है दरुआ पिए वाला, इथेनॉल को ही पीते हैं। समझा कि नहीं? के पीता है? के पीता है? अच्छा इनका कॉमन नाम बताओ तो, CH3CH2OH। बताओ एकरा में कई कार्बन? दो, दो कार्बन का रूट वर्ड एथ, एथ में बाइल तो इथाइल, लास्ट में अल्कोहल, नाम हो जाएगा इन्हीं का इथाइल अल्कोहल। अरे बोलो, इसी का IUPAC है इथेनॉल, और इसी का कॉमन है इथाइल अल्कोहल। है मजेदार कि नहीं? अरे बोलो ना यार। अगला एग्जांपल CH3CH2CH2OH है कार्बन, तीन कार्बन। अरे कई कार्बन? तीन कार्बन सर। प्रो क्या संलग्नी है एरा में? शाखा है कहीं? है? अरे कहीं शाखा है? नहीं है सर। कहीं नहीं है? नहीं है। तो बताइए तो सर इसका नाम? तो शाखा नहीं, तो साइक्लोन, ये साइक्लो है को जी? बोलो साइक्लो पढ़ो तो। साइक्लो, साइक्लिक, चक्रीय रहेगा तब वो लगेगा, नहीं तो नहीं लगाना। ठीक बा? यस सर। बोलो ना यार, तीन कार्बन के रूट वर्ड प्रो। बताओ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ANE। यस सर। तो ये हटा दियो और लास्ट में ओल लगा देते हैं, तो पढ़ के बताओ। प्रोपेनॉल। अरे बोलो, देखो वो मोबाइल देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, हम इन्हें पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल देख रहा है, कैसे के सीखेगा बताओ? इतना बढ़िया नाम बता रहे हैं, प्रोपाइल अल्कोहल। अगर तीन कार्बन रहेगा तब CH3CH2CH2OH। बोला कई कार्बन? तीन कार्बन के रूट वर्ड प्रोप, प्रोप में बाई एल, और लास्ट में अल्कोहल, नम्मा हो गेलो प्रोपाइल अल्कोहल। अरे बोलो यार, अरे बोलो यार, समझ में आई? पूरा आई? आजा चौथा एग्जांपल CCCC। अब नहीं सी, अब यहाँ सी दे देते हैं और यहाँ OH दे देते हैं, अब मजा आएगा। देखो लिख रही है, आप इसको देख रहे हो? अरे देख रहे हो इसको? नहीं देख रहे हो? पेरेंट कार्बन चेन कई कार्बन? देखो PCC तीन लमका जी, लमका ही तीनों ने होगा। बोल
अब जब पेरेंट कार्बन चेन में शाखा आ गया तो नंबरिंग करे पड़ेगा, याद है कुछ करने से नंबरिंग, दुल्हा देने से। अरे बोलो जी, ये दुल्हा है ना, फंक्शनल ग्रुप है जी, भूला गया तो इसका नाम दे दो, वन टू, और ये वाला, और ये सर नो, अरे ये सर नो, बताओ एरा में शाखा है जी, अरे ये नहीं है शाखा, शाखा है तो शाखा का नाम देना पहले, सबसे नाम में सबसे पहले कौन लिखाता है, संलग्नी, बताओ एक कार्बन, एक कार्बन के शाखा मिथाइल, वही वाला बाइल लगता है, अल्काइल होता है, समझलो कि नहीं, तो यहाँ क्या लग जाएगा, तो पहले कैसी होगा नाम, संलग्नी का नाम, तो संलग्नी में कौन है, मिथाइल, कई नंबर पर, तो टू मिथाइल, अरे हो गया है, हो क्या साइक्लिक है, तो साइक्लो नहीं लगेगा, ओकर बाद रूट बन, अर संलग्नी का नाम हो गया ने, ओकर बाद रूट बन, कई कार्बन, तीन कार्बन के रूट बन, क्या जी, प्रूफ, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंधन, कैसा बंधन, कैसा, कैसा, एकल बंधन, तो ए एन, और लास्ट में ओल लगा दे, तो नाम हो जाएगा टू मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेनॉल, समझ में आई, अब इनका कॉमन जरी बता दो कोई, ओ एच, टू मिथाइल प्रोपाइनॉल, हैं जी, बताओ तो जरी, इनका नाम लिखे पड़ेगा पहले, है जी, बताओ की होते, नहीं जाना, नहीं जाना, इनका देखो एक दो तीन कार्बन है, एगो चार कार्बन, तो चार कार्बन तो हो जाएगा ब्यूट, क्या हो जाएगा बच्चा, ब्यूट, क्या हो जाएगा, और बाद में लग जाएगा बाइल, और लास्ट में लग जाएगा अल्कोहल, लेकिन ये नाम सही नहीं है, क्यों नहीं सही, क्योंकि ये चारों एक सीधा में रहते हैं तब न हो, ये शाखा ने बन गया, तो जाना हो एकर नाम, अगर दो नंबर पर एक कार्बन के शाखा रहेगा तो ओकर नाम के आगे आइसो लगता है, क्या लगेगा, आइसो, तो नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, यस योर नो, यस योर नो, समझ में आई, छापिएगा, छाप लीजिएगा जी, छाप करो, याद रखे पड़ेगा बच्चा, कुछ नहीं करना है, पहले चार कार्बन है तो ब्यूट तो होगा, और दो एने से नंबरिंग होगा, नहीं देख लो इधर, एक दो तीन, तो अगर दो नंबर पर एक कार्बन जुड़ल रहता है ना, तो कॉमन नाम में ये रूल है, कॉमन नेम में आइसो लगता है, कौची लगेगा, आइसो, ये याद रखिए, कि अगर दो नंबर पर कोई एगो कार्बन हो तो उसके नाम के आगे कॉमन नेम में, आईयूपीएसी में नहीं, कॉमन नेम में आइसो लगेगा, सच सच है कि नहीं, अरे लिख लिए तो कल मिले, नेक्स्ट में मिले, हाँ, और तो नहीं सब्सक्राइब सब कर दिए हैं, ठीक है, मिलते हैं।